श्यामपुर नामक गांव में विलास पटेल नाम का एक व्यक्ति रहता था। विलास पटेल दिमाग से काफी तेज व्यक्ति था। उन्होंने अपनी बुद्धि से काफी नाम और पैसे भी कमाए हैं। विलास जी के 3 बेटे थे जो कि गांव में ही इधर उधर घूमकर अपना समय बिताया करते थे। तीनों बेटों को अपने पिता के धंधों में बिल्कुल भी शौक नहीं था और यही बात विलास जी को काफी परेशान भी करती थी। धीरे धीरे समय के साथ विलास जी बूढ़े हो रहे थे। तभी एक दिन की बात है, तुम तीनों दिन भर बस गांव में घूमते फिरते अपना समय गुजार देते हो। कभी तुम लोगों ने हमारे धंधे को समझने की कोशिश नहीं की है और ना ही कभी तुम तीनों ने हमारे दुकान पे आकर कभी समय दिया है। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और घर चलाने के लिए तुम लोगों को धंधा करना बहुत जरूरी है। तीनों भाइयों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, इस कारण से उन लोगों ने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया। इससे विलास जी और परेशान हो गए। बेटा, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और जो बेटा सबसे ज्यादा चालाक और अकलमंद होगा मैं अपना पूरा व्यापार उसी को सौंप दूंगा। व्यापार की बात सुनते ही तीनों बेटों के मन में लालच आने लगती है। बेटा, मैं तुम तीनों की चतुराइयों को परखूंगा और इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब सही समय होगा तब तुम तीनों की चतुराइयों का अंदाजा मुझे लग जाएगा। जी पिताजी, मैं समझ गया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तीनों बेटे अब सोच में पड़ गए कि आखिर पिताजी क्या परीक्षा लेंगे। इतने में ही हरिया कहता है, भाई पिताजी कुछ बताते तो हम भी तैयारी में लग जाते, अब उन्हें कुछ बताना ही नहीं है तो हम तैयारी कैसे करें। ये सब सुनकर भीखू मुस्कुराता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं रामू मन ही मन में सोचता है, क्यों न मैं बीरबल की चतुर कहानियाँ पढ़ लूँ, कहीं पिताजी मुझे अकबर की तरह कोई सवाल पूछ दे तो मैं उसका बीरबल की तरह जवाब दे दूँ। वहीं दूसरा बेटा हरिया गांव के रसूखदार व्यक्ति के पास जाता है और उनसे बोलता है कि सरपंच जी, मुझे भी अपने पास काम में ले लो। हरिया सरपंच जी के पास ये सोचकर काम करने लगता है, अगर मैं सरपंच जी के पास रहूंगा तो मैं भी सरपंच जी के जैसे ही फैसला लूंगा और पिताजी भी इससे खुश होंगे। सरपंच जी तो कुछ ज्यादा ही चालाक थे, वे हरिया को कुछ सिखाने के बजाय उसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे। वहीं भीखू ने सोचा कि मेरे पिताजी ने बहुत गरीबी से ये अपना व्यापार बनाया है, उनसे बुद्धिमान व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो उनसे ही शिक्षा लूंगा। ये सोचते हुए भीखू अपने पिताजी की सेवा में लग जाता है। पिताजी, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तुम ये मत सोचना कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना व्यापार आसानी से दे दूंगा, मैं व्यापार उसी को दूंगा जो सच में इसके काबिल है। क्या पिताजी, मैं आपकी सेवा किसी स्वार्थ के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे तो बस आपके जैसा बनना है, इसलिए मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद जब सभी अपने काम में व्यस्त थे तभी विलास जी ने अचानक सोचा, अब इनकी परीक्षा लेने का सही समय आ गया है, आज तो मैं अपना सही वारिस चुन के ही रहूँगा। विलास जी ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा अब लगभग 1 महीने बीत गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारी परीक्षा लेने का ये बिल्कुल सही समय है। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। जी पिताजी। जी पिताजी, हम बिल्कुल तैयार है, आप सवाल पूछिए। और हाँ सुनो, इसका जवाब तुम लोग बहुत सोच समझ कर देना। अच्छा बेटा, तो बताओ ऐसी क्या है जिसे डूबता हुआ देखकर भी उसे कोई नहीं बचाता। तीनों बेटे गहरे सोच में चले जाते हैं। रामू मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो मैंने किताब में पढ़े ही नहीं, इसका जवाब मैं अब कैसे दूं? हाँ यार, सरपंच जी ने तो ये कभी बताया ही नहीं,
अब क्या करूं? पिताजी अक्सर उगते सूर्य को जल देते और शाम में डूबते सूर्य को प्रणाम करते। मुझे लगता है इसका जवाब सूर्य ही होगा। पिताजी मुझे पता है। तुम्हें पता है तो बताओ, आखिर क्या है वो जिसे डूबता देख कोई बचाने सामने नहीं आता? पिताजी वह सूर्य देव है जिसे शाम को डूबता देख कोई उसे बचाने नहीं जाता। वाह, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश बेटा। धन्यवाद पिताजी। रामू मन ही मन में सोचता है, अरे इसको इतना कठिन सवाल का जवाब कैसे पता है, ये तो पूरा दिन घर में ही रहता है। पिताजी कुछ और पूछिए ना। जी पिताजी। अब मुझे जो पूछना था मैंने वो पूछ लिया। सुनो, अब मैं तुम तीनों को एक काम करने दूंगा और जो उस काम को अच्छे से करेगा मैं अपना व्यापार उसी को सौंपूंगा। तो बोलो बेटा, तैयार हो तुम लोग? जी पिताजी। ये लो 100-100 रुपए और शाम तक तुम तीनों को इस 100-100 रुपए से अपने कमरे को कुछ ऐसे चीजों से भरना है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। तीनों बेटों ने 100 रुपए लिए और बाजार के लिए निकल गए। हे भगवान, पिताजी ने फिर ऐसा काम दे दिया जो तो किताब में लिखी ही नहीं है, अब मैं क्या खरीदूं? काफी घंटे सोचने के बाद रामू के मन में एक सुझाव आता है। एक काम करता हूँ, 100 रुपए के लकड़ियाँ ले आता हूँ, अगर इतने से कमरा ना भरे तो कुछ जंगल से काट लाऊंगा। अरे यार क्या करूँ क्या करूँ, 100 रुपए में आखिर क्या हो सकता है। एक काम करता हूँ, सरपंच जी अपने कमरे में अनाज भर के रखते हैं, मैं भी 100 रुपए के अनाज ले आता हूँ। हरिया 100 रुपए के अनाज लेकर अपने कमरे को भर देता है। भीखू मन ही मन में सोचता है, 100 रुपए में क्या लाऊं क्या लाऊं। अरे हाँ, पिताजी को पूजा पाठ बहुत पसंद है, एक काम करता हूँ ना, अगरबत्ती और दिए ले आता हूँ, अगरबत्ती की खुशबू और दीपक की रोशनी से पूरा कमरा भर जाएगा। भीखू पिताजी की इस बात को याद करते हुए बाजार से अगरबत्तियाँ और दीपक खरीद लाता है। शाम हो गई, तीनों बेटे घर वापस आ गए। तो तुम लोगों को जो काम मिला था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी पिताजी। ठीक है तो चलो चल के देख ही लेते हैं। विलास जी तीनों के कमरे की ओर जाते हैं। विलास जी सबसे पहले रामू के कमरे को देखते हैं। तो रामू बेटा, 100 रुपए में तुमने ये लकड़ियाँ लाई है? जी पिताजी, 100 रुपए में बस इतना ही लकड़ियाँ मिली मुझे। अच्छा ठीक है। अब विलास जी हरिया के कमरे में जाते हैं। अच्छा तो तुमने 100 रुपए में ये अनाज की बोरियाँ लाई है? जी पिताजी, मैंने अनाज की बोरियों से कमरा भर दिया है। पर बेटा कमरा भरा कहाँ है, ये तो अभी भी खाली है। वो पिताजी 100 रुपए में बस इतने ही अनाज मिले। अच्छा ठीक है। इसके बाद अब विलास जी भीखू के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। भीखू का कमरा देख विलास जी बड़े ही चालाकी से पूछते हैं, ये क्या तुम्हारा कमरा तो खाली है? जी पिताजी, ये तो हमारे कमरे के मुकाबले पूरा खाली है। नहीं, ये देखिए आप लोग, ये कमरा खाली नहीं है, ये कमरा इन अगरबत्तियों के सुगंध और भगवान के प्रतिमा के आशीर्वाद स्वरूप भरा हुआ है। पिताजी ये आपको उल्टी सीधी बातें बोलकर फुसला रहा है। जी पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीतने का असली हकदार तो मैं हूँ। मैंने फैसला ले लिया है कि व्यापार का असली हकदार कौन है। देखो, मैंने तुम तीनों को जानबूझकर 100-100 रुपए दिए थे क्योंकि बेटा मुझे यही तो देखना था कि इतने कम पैसों में कौन पूरे कमरे को भरता है। हरिया और रामू तो इस काम में असफल रहे, लेकिन देखो भीखू ने अपने बुद्धिमानी से इस कमरे को भर दिया है। अब भीखू ही हमारे व्यापार को बढ़ाएगा और हमारे नाम को रोशन करेगा।